सो वेलकम बैक गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी के नंबर वन एजुकेशन चैनल और इंडिया के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एमपीपीएससी की एग्जाम अब देखिए होगी या नहीं होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये लग रहे हैं इस कंडीशन को देख के कि शायद एग्जाम थोड़ी सी पोस्टपोन हो, मतलब कुछ महीने तो कम से कम हो ही सकती है। बट चलिए, वो बात की बात है, लेकिन अभी कई बार एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है और केवल एमपीपीएससी नहीं, पीवी की बहुत सारी एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी हैं और आगे बढ़ चुकी हैं। उसको देखते हुए हमारे साथ, हम डायरेक्टली आज हमने एक नया सेशन चालू किया है और ये आगे भी आप सबके प्यार से बढ़ता रहेगा, क्योंकि हम अभी ऐसे एस्पिरेंट्स जो स्वयं तैयारी कर रहे हैं कई सालों से पीएससी की, कुछ लोग पीवी की तैयारी कर रहे हैं, ये सब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है और ये सब उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो बच्चा कहीं ना कहीं एग्जाम दे रहा है और उसकी एग्जाम अगर पोस्टपोन होती है, तो आज का हमारा मेन मुद्दा ये है कि जब भी कोई एग्जाम पोस्टपोन होती है तो बच्चों की मानसिक स्थिति कैसे बदल जाती है या उनकी मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। और हाँ, अगर आप परेशान हैं एग्जाम के पोस्टपोन होने से या मानसिक स्थिति आपकी गड़बड़ हो रही है, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है ये भी हम आज के आज जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है अनुराधा जी और राहुल आचार्य जी, साथ में हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक जी और साथ में राजश्री जी हैं। सब लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, इनका हम स्वागत इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि आज से जो हम कड़ी चालू कर रहे हैं, इसका रिस्पॉन्स क्या रहता है वो आप ही बताएंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आपके मन की बात, जो आप सोचते हैं, वो हमारे स्टूडेंट आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम अनुराधा जी से जानना चाहेंगे कि अनुराधा जी, अगर एग्जाम पोस्टपोन अगर बार बार होता है तो आखिर बच्चे की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है और वो क्या सोचता है जब एग्जाम पोस्टपोन होती है? उसे खुशी मिलती है या फिर उसे दुख होता है? अनुराधा जी, माइक ऑन कर लीजिए आपका। गुड इवनिंग सर एंड ऑल ऑफ यू। मैं अनुराधा दुबे बालाघाट जिले से बिलोंग करती हूँ और वर्तमान समय में मैं एज अ वोकेशनल टीचर पोस्टेड हूँ गवर्नमेंट स्कूल नेवरगांव में। जैसा कि सर आपने अभी मुझसे सवाल पूछा कि स्टूडेंट की मेंटल सिचुएशन क्या होती है जब एग्जाम पोस्टपोन हो जाती है, तो वर्तमान समय में एमपीपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम डेट के जैसे ही पास आती है तो एक स्टूडेंट में एक अलग ही एनर्जी लेवल जनरेट होने लगता है जो उनकी प्रिपरेशन के दौरान बाकी समय नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि एग्जाम अपने पीक पे है और उससे कुछ दिन पहले, महीना भर या 15 दिन पहले एग्जाम पोस्टपोन हो जाती है, तो उन्हें एक मानसिक दबाव का थोड़ा सा अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने फैमिली फंक्शंस, गेट टुगेदर सब अवॉइड करते हैं ताकि उनकी प्रिपरेशन में 100% दे सके। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो कई सालों से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम के लगातार शिफ्ट होने के कारण वो अपनी एग्जाम देने से वंचित रह जाते हैं, जिसके चलते वो ओवर एज हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनके जीवन में अब कुछ बचा नहीं है और वो किसी बहुत गहरे सदमे, या हम जिसे डिप्रेशन बोल सकते हैं, उसमें चले जाते हैं, जिसका भुगतान ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। तो एक बहुत ही हताश करने वाला आयोग के द्वारा डिसीजन रहता है जो आगे शिफ्ट कर दिया जाता है एग्जाम को। इससे ना सिर्फ स्टूडेंट का नुकसान होगा बल्कि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल जो जनरेट होता है वो दिन ब दिन डिमोटिवेट होते जाते हैं बच्चे। थैंक यू सर। हालांकि अगर आप ने जो मुद्दे रखे हैं ये बहुत ही सटीक मुद्दे हैं, थैंक यू अनुराधा जी। बच्चे यही सोचते जी हैं सर। कि एग्जाम जो है वो टाइम पर होना चाहिए और उसका शेड्यूल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके लिए अगर मैं बात बताऊं तो अभी जैसे कोरोना का, यहाँ पर पेंडेमिक का बात बताई जा रही है कि उसका मतलब बहाना तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसका कारण लिया जा रहा है, रीजन लिया जा रहा है। बट कई कारण ऐसे और भी हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा हताश होता है, निराश होता है, या जिसकी रैंक पर असर पड़ता है, उसकी रैंक गिरती है या उसकी रैंक में चेंजेस आ जाते हैं और सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। तो आज हम राहुल आचार्य जी से जानना चाहेंगे, वो भी एक एस्पिरेंट्स रहे हैं और काफ़ी दिनों से पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो राहुल जी, आप बताइए कि कोरोना और किसी, मतलब इन सब चीज़ों के अलावा ऐसा और क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे को सफ़र करना पड़ता है, गलती किसी और की और बच्चे को भुगतना पड़ता है? गुड इवनिंग एवरीवन। मैं राहुल आचार्य ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ साथ एक एमपीपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ। मैं सबसे पहले दिनेश सर का धन्यवाद करता हूँ। सर ने लेट ट्रैक एमपी के माध्यम से एमपीपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट को अपनी बात रखने का एक मौका दिया। जैसा कि सर ने बताया कि एमपीपीएससी की परीक्षा कई कारणों से मुसीबतों में आती रही है, जिसमें से एक रीजन है कई
कई बार देखा गया है कि एमपीपीएससी के द्वारा एग्जाम पेपर में कुछ क्वेश्चन गलत दे दिए जाते हैं या उनके ऑप्शन ऐसे दे दिए जाते हैं जो गलत होते हैं। कुछ ऑप्शन की गलती के कारण क्वेश्चन गलत होना स्वाभाविक होता है, जिससे परीक्षार्थी के मेरिट पर काफी असर पड़ता है। जो परीक्षार्थी अपने एक एक नंबर के लिए साल भर मेहनत करता है, यदि उसका कोई नंबर कोई क्वेश्चन एमपीपीएससी के द्वारा पेपर में गलत देने के कारण परीक्षार्थियों को नंबरों का नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उसे पता होता है एक्चुअल में क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा। ऐसा देखा जाए तो लास्ट ईयर 2019 में पेपर फर्स्ट के सेट ए में 5 क्वेश्चन रॉन्ग थे। बाद में एमपीपीएससी के द्वारा बोल दिया गया था कि जो क्वेश्चन रॉन्ग है उन्हें डिलीट कर दिया जाएगा। ऐसा 2019 से पहले भी कई बार हो चुका है। मेरा मानना यह है कि एमपीपीएससी जो कि राज्य की सर्वश्रेष्ठ एग्जाम राज्य सेवा परीक्षा को आयोजित कराने वाली राज्य की संस्था है, इसके द्वारा पेपर बनाते समय ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। यदि क्वेश्चन किसी रीजन से गलत हो जाए तो इस कंडीशन में एमपीपीएससी को जितने क्वेश्चन गलत हैं उन्हें डिलीट कर राइट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनानी चाहिए, जिससे क्वेश्चन गलत हैं जिस स्टूडेंट ने वह क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हों उनके नंबर राइट क्वेश्चन में ही इंक्लूड कर देना चाहिए, जिससे वो परीक्षार्थी जो एक्चुअल में एमपीपीएससी के लायक हैं, जिन्होंने साल भर कड़ी मेहनत की, वो अपनी जगह मेरिट लिस्ट में लाकर मुक्त परीक्षा दे सके। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं कहना चाहिए। बहुत अच्छी बात रखी आचार्य जी ने। आचार्य जी ने जो बात कही वो बिल्कुल एक ऐसे बच्चे के लिए जो कि बहुत ही कई बार क्या होता है कि बिल्कुल नंबर 2 नंबर 3 नंबर से चूक जाता है या 4 नंबर से चूक जाता है, तो दुख होता है। और उसको दुख इसलिए होता है क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत पूछ लिया। भैया 10-10 क्वेश्चन जब गलत होंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसकी रैंक पर प्रभाव पड़ेगा और वहाँ दिक्कत हो सकती है और अंतर आ सकता है उसकी रैंक में। तो इसके लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, मतलब पीएससी को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसे में इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके खत्म किया जाए। इस तरह की चीज़ें ना हो, 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं, हालांकि इतनी बड़ी संस्था है तो वो भी नहीं होना चाहिए, बट ठीक है 1-2 क्वेश्चन चलता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ हम आपके लिए एक बढ़िया एक ऐसी बात, चूंकि जब बात हो गई है कोरोना काल की, जब बात हो गई है हमारी एमपीपीएससी की गलतियों की, तो यहाँ पर एक और इसके अलावा दूसरा एक रीज़न हो सकता है जो कि हमारी राजश्री जी बताएंगी। राजश्री जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसके अलावा, ये तो नेचुरल कुछ थिंग्स हैं जिसकी वजह से बच्चे के मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है, इसके अलावा और क्या रीज़न है और उस रीज़न की वजह से बच्चा क्या सफ़र कर रहा है हमारे मध्य प्रदेश का, चाहे वो पीएससी वाला हो चाहे पीवी वाला हो, तो आप उस पर प्रकाश डालिएगा और आपकी राय क्या है उस कारण की, उस रीजन की वजह को आप बताइएगा, सबके सामने रखिएगा। हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम राजश्री डावर है, मैं धार से बिलोंग करती हूँ और मैं एमपीपीएससी एस्पिरेंट हूँ। और मैं दिनेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारी बात रखने के लिए सर ने ये मंच पे हमें मतलब इनवाइट किया है। सर अभी 2 साल हो चुके हैं कोरोना को, ये 2रा साल है जब हम जूझ रहे हैं कोरोना से। सर ये तो नेचुरल डिजास्टर मतलब है एक तरीके से, पर उसके साथ साथ सर मतलब ऐसी चीजें हो जाती है एग्जाम्स में, जैसे लास्ट टाइम कोर्ट केस हुआ था सर, लास्ट टाइम कोर्ट केस हुआ था तो सर उसका रिजल्ट अभी नहीं आया सर, आरक्षण को लेके जो भी अभी साल भर हो चुका है बट अभी तक कोई कोर्ट अपना डिसीजन दे ही नहीं पा रहा है। अभी तक सर डेट पे डेट दे देते हैं, डेट्स पे डेट्स आ जाती है, पर अब ऐसे में बच्चा क्या करेगा सर, हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं सर। जो अब इसके बाद ये सबसे बड़ा मुद्दा है सर एज लिमिट, अगर जो बच्चे की एज हो चुकी है तो सर आने वाली एग्जाम्स तो सर कंडक्ट करा नहीं पाता है सर आयोग, फिर वो सर जो पास में एग्जाम्स हुई है सर उसका रिजल्ट भी वो लोग दे नहीं पाते हैं, तो हमें तो अपना भविष्य फिर अंधकार में ही नजर आता है ना, हम आने वाली एग्जाम्स को दे पाएंगे एज होने के कारण, और से जो हो चुकी है सर वो भी उसके भी रिजल्ट सर पता नहीं है, तो सर बच्चा अपने आप में डिप्रेस्ड हो जाता है सर। और सिर्फ घर घर की परिस्थितियां रहती है सर बहुत सी सर, सर लड़कों को अपना घर को संभालने का जिम्मेदारियां रहती है, लड़कियों को सर धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे फिर शादी को लेकर प्रेशराइज करते हैं घर से, तो सर कब तक मतलब हम लोग कब तक, बच्चा कब तक रुकेगा, हम लोग सर घर वालों को कब तक, लड़कियां भी कब तक मनाएंगी और लड़के भी सर कब तक अपना सर मतलब अपनी जिम्मेदारियों को सर संभालने का एक समय होता है सर, कब तक वो हम लोग पीछे हटेंगे सर इस सब चीजों से। सर कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेके सर बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है सर, हमारा भविष्य अंधकार में हमको नजर आने लगता है। और सर जब हम न्यायालय के पास जाते हैं, जब इतनी बड़ी मतलब न्यायालय हम लोगों की एक आखिरी हमारे पास सहारा रहता है न्यायालय का,
सर जब वो भी हमारे सहयोग नहीं करेगा सर, जब ऐसे डेट्स पर डेट्स होगी तो सर हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? आखिर हमारे पास कोई उम्मीद बचती नहीं है सर फिर। सही बात है। तो अनुराधा जी और साथ में हमारी राजश्री जी, दोनों ने ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे और एक खास बात ये बताई कि बच्चों को डिप्रेशन केवल और केवल कोरोना पेंडेमिक नहीं है। कोरोना तो अभी आया है, लेकिन इसके पहले ये कोर्ट केस की जो लंबी कतार है कई दिनों से चलती आ रही है, तो बच्चों का कहीं ना कहीं उसके दिमाग उसका भी असर है। क्योंकि आपको पता होगा शायद एक कोर्ट केस का आप सब डिस्कशन कर चुके होंगे इस पे, कि अभी ये तो आरक्षण का मुद्दा आया है, इसके पहले भी एक बार कोर्ट केस लगा था जिसमें कि सवर्ण का कुछ मुद्दा आया था। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होती रहती है जिससे बच्चे का एग्जाम या तो पोस्टपोन होता है, कई बार एग्जाम हो जाती है तो उसके रिजल्ट नहीं आता है। अभी जैसे रिजल्ट पर तलवार लटकी हुई है, रिजल्ट मतलब एग्जाम भी हो गया बट ज्वाइनिंग में कोई ना कोई एक याचिका लगा के स्टे ले लेता है। तो उस बच्चे का बेचारे का भविष्य वास्तव में अंधकार में हो जाता है जिसका सिलेक्शन हो गया है। अब वो कहीं और भी नहीं जा सकता कि भैया मेरा तो सिलेक्शन हो गया है, इंतजार कर रहा है, बैठा हुआ है। तो आचार्य जी ने बहुत अच्छा मुद्दा रखा बिल्कुल, कि बच्चों के साथ बड़ी खिलवाड़ होता है अगर उनके नंबर छोटे आगे पीछे हो जाते हैं किसी की गलती से, उनकी गलती नहीं है। हाँ, अनुराधा जी ने भी अच्छा एक मतलब पूरी ओवरऑल समस्याओं का मतलब आपके सामने पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर की कि भाई आजकल लोग कैसे हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। और राजश्री जी ने भी बता दिया कि भाई बच्चों के जिम्मेदारियां भी हैं, परिवार वालों की जिम्मेदारियां भी हैं। तो इन सब को लेकर आप कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड या परेशान होंगे, लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि ओवरऑल हम इंसान हैं और हम में लड़ने का जीतने का जज्बा होता है। हमारे सामने कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, हम उसको बार 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 चुनौती देके एक बार जीतेंगे जरूर। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि भाई पढ़ाई जरूर करें, और ये सब देखने वाले हैं बच्चे, आप लोग पढ़ाई सब लोग कर ही रहे हैं हमारे साथ, तो पढ़ाई अगर होती है तो पढ़ाई को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि एग्जाम आज नहीं तो कल होगी और आज नहीं तो कल ज्वाइनिंग आपकी होगी। देर सवेर हो रही है उसके लिए, जो भी हो रहा है वो हो रहा है। तो इस कोरोना पेंडेमिक में हो चाहे एग्जाम पोस्टपोन हो रही हो, इसको देखते हुए हम हमारे एस्पिरेंट्स हैं, हमारे साथ अभिषेक जी मौजूद हैं और ये आपको बताएंगे। मैं तो मोटिवेट आपको करता हूँ, हमारी पूरी टीम मोटिवेट करती है। शिक्षक का काम ही है कि बच्चे को मोटिवेट करे और उसको पढ़ाई पे ध्यान लगाने की फोकस करे, लेकिन एक खुद स्टूडेंट के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि आप ऐसे समय में, अभिषेक जी पहले बात तो ये बताइए कि आप कैसे खुद मोटिवेट रहते हैं, सेल्फ मोटिवेट, और हमारे जो बच्चे देख रहे हैं वो सेल्फ मोटिवेट कैसे रहें इस घड़ी में जबकि आप कहीं आ जा नहीं सकते, एक तो घर में बंद हैं और दूसरा आपको पढ़ाई अब करते करते मतलब बोरियत होने लगी, भाई वही भाई बार 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 पढ़ रहे हैं। तो अभिषेक जी बताइए कि बच्चे मोटिवेट कैसे रहें? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। यहाँ सबसे पहले मैं सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि एक अनअकैडमिक के माध्यम से हमें यहाँ पर हमारी राय रखने का और एक जो सब बच्चों की राय वो रखने का मौका दिया। सर अभी जो ये जो डीमोटिवेट होने की जो व्यथा है सर, ये सारे स्टूडेंट के मन में ही है। जो भी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके मन में ये व्यथा आ रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी एग्जाम्स ही आगे बढ़ रही है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम्स हो। तो सर इसमें मोटिवेशन में मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ा रोल जो है मोटिवेट करने का, वो हमें खुद से अंदर से ही मोटिवेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट खुद को अंदर से मोटिवेटेड रखे तो उसमें उतना असर बहुत जल्दी वो डिमोटिवेशन खत्म हो सकता है। मैं जैसे सर जो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जब भी मुझे डिमोटिवेशन लगता है या मुझे लगता है कि मैं ट्रैक पे से थोड़ा सा हट रहा हूँ या मेरी पढ़ाई पीछे छूट रही है, सर मैंने अपना एक जो लक्ष्य है एमपीपीएससी की जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने अपना एक लक्ष्य है वो एक जहां मैं सोता हूँ वहां दीवार पर एक जगह लिख के रखा है। सर अगर मुझे जरा सा भी डिमोटिवेशन लगता है तो बस मैं एक बार उस लक्ष्य को पढ़ लेता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि मैं वापस अपने ट्रैक पे एक लाइन का लक्ष्य पढ़कर मैं अपने ट्रैक पे आ जाता हूँ सर पूरा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छा मोटिवेशन सबसे अंदर से ही आता है सर। उसके अलावा सर मुझे लगता है कि अगर कभी अपने को लगता है कि अपन डिमोटिवेट हो रहे हैं किसी भी कारण से, या पढ़ाई पीछे छूट गई, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, किताबों को हाथ नहीं लगा पाए, तो मुझे लगता है सर हमें हमारे जो मित्रगण हैं जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, या हमारे जो बचपन के दोस्त हैं, सबसे अच्छे बचपन के दोस्त से अगर हम थोड़ी देर भी बात करें, 15 मिनट 20 मिनट, या अपने साथ जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग से बात करें, तो मुझे लगता है सर वो मोटिवेशन के लिए बहुत काम आता है सर। और इसमें एक रोल सर सिर्फ दूसरों से मोटिवेट होने का ही नहीं है, अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारे ग्रुप में कोई मेरा ही मित्र मुझे लग रहा है कि डिमोटिवेट हो रहा है या ट्रैक से हट रहा है किसी कारण से, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, या फैमिली का प्रेशर जो भी प्रेशर है, तो हम सबका रोल भी उसमें अहम है। हमें मिलकर ये सोचना चाहिए कि कोई डिमोटिवेट हो रहा है तो हम उसकी सहायता करें, उस समय पर उसको मोटिवेट करने की कोशिश करें, उसको समझाएं कि वो क्यों ये लक्ष्य लेकर चला था, ये लक्ष्य के लिए वो चला ही क्यों था।
अगर उससे हम इस बारे में 2 मिनट भी बात करें तो मोटिवेशन बहुत आता है। और सर मैं कहना चाहूंगा कि उसके अलावा आजकल हम इंटरनेट का उपयोग जिस तरीके से कर रहे हैं सर, हमें बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस बहुत सारे चैनल्स पे मिलते हैं, बहुत अच्छे वीडियोस मिलते हैं, जिससे सर जिसमें हमारे जैसे जो कि अब अधिकारी बन चुके हैं या नौकरी में लग चुके हैं उनके मोटिवेशनल सक्सेस की स्टोरीज होती है सर, जिसमें वो बताते हैं कि 2 बार 3 बार 4 बार फेल होकर इतनी तैयारी करके वो कैसे सक्सेसफुल हुए। सर अगर वो वीडियोस हम हमारे दोस्तों को और हमारे साथ वालों को फॉरवर्ड करें और हम भी खुद देखें उन्हें एक दो वीडियो ऐसा हर 3-4 दिन में कुछ देख लें, वो मोटिवेशन में बहुत काम आता है सर। उसके अलावा सर अगर हम कुछ गाने वीर रस की कविताएं किताबों का सहारा भी लिया जा सकता है सर, किताबें सबसे अच्छी साथी होती हैं, सबसे अच्छे मित्र होती हैं। उसके अलावा सर जो अगर वीर रस की कविताएं 2 या 3 जैसे आरंभ है प्रचंड, उस हिसाब की अगर सर कोई भी कविता अगर एक बार सुन ली जाए तो मोटिवेशन अपने स्तर पर वापस आ जाता है सर। और सर सबसे बड़ा योगदान तो इसमें दोस्तों का आपके गुरु का ही होता है। एक जैसे हमारे हिंदी में कहा भी जाता है सर कि संगति का असर बहुत पड़ता है। एक वो लाइन भी हिंदी में के काजल की कोठरी में जो भी गयो है एक टिक काजल की लगी है सो लगी है। अगर आप मोटिवेटेड लोगों के साथ हैं तो आप स्वयं ही मोटिवेटेड ही रहेंगे, आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर आपको ध्यान रखना है कि आप मोटिवेटेड लोगों के साथ रहें और जो हमारे साथ हैं उनको भी मोटिवेटेड रखें। समय सर सबके लिए अभी डीमोटिवेट होने का, ये बहुत कारण है डीमोटिवेट होने के, पर हमें अपना कारण मोटिवेट होने का ढूंढना पड़ेगा, लक्ष्य को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओवरऑल आपने बहुत सारे एग्जांपल दे दिया, हालांकि मैं कुछ बच्चों को बताने वाला था, लास्ट लास्ट में आपने वो कवर ही कर दिया। इसका एक बहुत अच्छा छोटा सा उदाहरण ये देता हूँ मैं कि जैसे इन्होंने बोला कि आपके आसपास का सर्कल, हालांकि आप लोग सब एस्पिरेंट्स हैं, पीएससी वाले हैं सबके सब, तो ये तो एक छोटी सी बात है मेरे लिए, सबको मालूम है कि ऐसा होता है कि आप लोगों ने सुना होगा पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि जैसा आपका एनवायरमेंट होता है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सके उसको संग, सुना होगा आपने, या आपने वो जो बोला कि भाई जैसे काजल कोटली में जाएगा तो कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा, यानी कि कुल मिला के जैसे इन्वायरमेंट में आप रहेंगे वैसा आपका होगा। अब चूंकि बाहर इन्वायरमेंट खराब है तो डिमोटिवेट होने के लिए हमारे पास रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन मोटिवेट होने के लिए आप अपने जो साथी हैं, यानी कि आपके साथ वो फैमिली मेंबर हों, चाहे मित्र हों या फ्रेंड जो बचपन के हों या अभी साथ में जो पढ़ रहे हों, अगर उसमें से एक बंदा भी नेगेटिव बात कर रहा है तो उसको आप समझाइए कि भैया नेगेटिव मत कर भाई, तुम नेगेटिव मत करो, क्योंकि अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो दूसरा भी बोलेगा, फिर वो चीजें बढ़ती जाएंगी डेफिनेटली। तो आप क्या करें कि इस करीब इस मतलब हम लोग तो देखो एजुकेटर हैं, हम तो पढ़ाएंगे आपको, आपका जो भी सिलेबस है हम पूरा करवाएंगे, आप लोग देख ही रहे हैं डेली चैनल पर हमारे कहीं ना कहीं नए नए वीडियोज आते रहते हैं आपके लिए। कितना कोरोना का लंबा समय निकल चुका है लेकिन आपके लेक्चर शायद मुश्किल है जो छूटे होंगे, आपके सारे लेक्चर चल रहे हैं, तो हम लोग भी उसी कंडीशन में है लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। तो आपका जॉब क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना और सेल्फ मोटिवेट रहना, तो भले कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, राजश्री जी और साथ में हमारे सर हैं, मैडम हैं दोनों, साथ में अनुराधा जी हैं और अभिषेक जी हैं। तो ऐसे ही आगे हम और भी इसी प्रकार के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। ये वीडियो कितना फ्रूटफुल आपके लिए लगा, बच्चों की बातें आपके सामने रखी तो ये कैसा लगा आपको, और हम लोग आप लोगों को सेशन जो है इसको हम अभी यहीं बाइंड अप करते हैं, अगली बार अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को फिर से इन्वाइट करके और हम आपको इसी प्रकार के सेशन और लेकर आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच यस सर, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सबके लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर। वीडियो में जब आगे कुछ होता है तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। Thank you. Thank you. Thank you.